दोस्तों नमस्कार। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को भूल गए हैं, जो कि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरा था, जो कि पिछले वर्ष भरे थे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आप भूल गए हैं, तो आप जो है बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने खोए हुए रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात TET के लिए ही नहीं, CG व्यापम के किसी भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह तरीका लागू होगा। तो आप सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले निवेदन है कि आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य 2.0, जिसमें इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं। अतः सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो है आने वाले समय में जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे वो आपसे चूके ना, आप उसको देख पाए। वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगा, केवल मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगा, मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहां पर टाइप करना है www.cgvyapam.cgstate.gov.in, ऐसा टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है सीजी व्यापम के होम पेज पर पहुंच गए। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, नीचे में देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं एडमिट कार्ड के लिए अलग अलग ऑप्शन आते हैं, उसमें देखिएगा सबसे नीचे में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च रजिस्ट्रेशन ID, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जो कि मैं अभी टेस्ट फॉर्म भरा था, डेमो फॉर्म, उसमें लिखा था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को इसी प्रकार से फिलअप करना है। आप देख लीजिए किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर शुरू में जो है आपका दिनांक रहेगा, फिर महीने का नंबर रहेगा, फिर वर्ष का। उसके बाद जिस एग्जाम का आप रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ रहे हैं, जिसमें आप फॉर्म भरे हैं, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, हो सकता है स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा हो, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है। ठीक है, वहां से क्या करेंगे, सर्च को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च को क्लिक करते हैं, आपका पूरा डिटेल जो फॉर्म में आपने फिलअप किया था वो सब चीज सामने आ जाता है। इसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है, हर चीज जो आपने फिलअप किया था। ठीक है, इसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जो मैंने टेस्ट फॉर्म भरा था उसी का यहाँ पर डिटेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, ताकि जो है आने वाले समय में आपके लिए इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो बनाया जा सके। वीडियो पर अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।